प्रेज लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 अप्रैल 18 तारीख आश्रित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें, परमेश्वर के किए हुए भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर जरा परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाले रखा। कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें रखा, हमारी यात्राओं में हमारे संग रहे। प्रभु ने हमारी यात्राओं को नियंत्रित रखा। हालेलुया, हमारे नौकरी में, हमारे घर में, हमारे पढ़ाई में, हमारे कॉलेज में, सब जगह परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, हमें दूर करो की सहायता दी। उसके लिए हम धन्यवाद करें। आप जानते हैं आपका जीवन कैसा था, इसलिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया, परमेश्वर के आशीष, उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। हालेलुया प्रभु, आपने रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर परमेश्वर को कहे, प्रभु ये अच्छी नींद आपने दी रात को, उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें सुबह जगाया, उसके लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे, पिता धन्यवाद, आपने हमें जगाया, आपने हमें उठाया, आपने हमें संभाले रखा। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे और पीछे हमें घेरे रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी दोष नहीं आने देते हैं, आप हमें अपने पंखों के आड़ में संभाले रखते हैं। दुष्ट की हर एक पद्धति से आप हमें बचाते हैं, दुष्ट की नज़रों से हमें बचाते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 9 में, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सवाश्रय कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरा नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन हमें आप यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। हालेलुया, जो रोग से पीड़ित है आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं, पूर्ण आरोग्य और चंगाई उनको मिले। हाथों में और पैरों में जो दर्द है, जो परेशानी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया, जो मसल पेन है, मांसपेशियों में जो दर्द है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पूर्ण तरीके से हर एक दर्द दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं पिता, धन्यवाद अद्भुत चंगाई के लिए। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिनको उनका बाल गिरने का जो परेशानी है प्रभु, जिनके बाल पक रहे हैं उनकी उम्र से पहले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बाल जो पकने का अनुभव से उनको छुटकारा मिले और सारे बाल उनके काले हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया प्रभु, आप जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए आप रास्ता खोल के देते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज अप्रैल 18 तारीख प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंटरव्यू कॉल्स, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स और कॉन्फर्मेशन सब यीशु मसीह के नाम से उनको मिल जाए प्रभु। आर्थिक विषय में आप छुटकारा दिलाए अपने बच्चों को प्रभु। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को एक और बार यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। कल के पवित्र सभा को आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कल आपने हमें आशीषित किया मीटिंग में, उसके लिए धन्यवाद। जो अभिषेक दास दास यहाँ हैं उनको आप संभाले पिता, उनको हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद।
पूरा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी महिमा में प्रभु आपको आगे लेके जाए, महिमा से महिमा में हमारा यात्रा हो आज का दिन। हालेलुया, यही हमारी प्रार्थना है। और कल सुबह 8:15 हमारा मीटिंग चालू होगा, निश्चय तौर से उसके भागी बने। कल जो स्पेशल मीटिंग के भागी थे उनको हम याद करके धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, मरकुस की किताब 11 को अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, तो उसमें लिखा गया है 11 उसका 24वां वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। तो उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे जो ध्यान से हमें देखने वाली बात क्या है कि जो हम विश्वास करते, जो हम प्रार्थना करते उसके हमें प्रतीति करनी है। अगर हम 23वां वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई, हालेलुया, मतलब ऐसे कोई प्रत्येक व्यक्ति, कोई पास्टर या बिशप या कोई अभिषिक्त ऐसे नहीं कहा गया है, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, भले वो छोटा नौकरी करते हो, बड़े नौकरी करते हो, सालों साल से विश्वास करते हैं या नए विश्वासी हो, हालेलुया, वचन जो कहता है ये कि जो कोई, हालेलुया, उनको क्या करना है, बिना कोई संदेह के, हालेलुया, जो इस पहाड़ से कहे, यहाँ पे लिखे कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन। आज का दिन हम ऐसे विश्वास के साथ घोषणा करने वाले और अद्भुत कार्य दिन देखने वाला दिन बने। कुछ रोगों को आप भगाए, हालेलुया, देश देश में जो बुराइयां हो रही है उसको यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाए करके आप घोषणा करें, हालेलुया। ऐसे अद्भुत कार्य देखने वाला दिन बने आज के दिन यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, इसलिए तुम जब प्रार्थना करते हो, हालेलुया, मतलब प्रार्थना करना जरूरी है, और जब प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, मतलब पूछते हैं और हमें ऐसे विश्वास करना है कि हमें मिल गया है, उसकी हम प्रतीति करें, हालेलुया, मतलब एक चीज हमें हाथ में जब मिल जाता है तो उसको हम जरा देखें, हालेलुया। अभी कोई हमें कुछ देता है तो हम उसको देखते हैं, हालेलुया, वैसे ही हम जब प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ हम उसको देखते हैं, हम उसको, हमें मिल गया करके विश्वास करते हैं और फिर वो अपने विश्वास की आंखों से हम देखें, हालेलुया। अगर आप एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना करें आपको एक बच्चा परमेश्वर दे और फिर आप विश्वास करें कि आपको मिल गया और फिर अगला आपको देखना है वो बच्चे जो परमेश्वर ने दी है। वैसे आपकी नौकरी भी हो या कोई भी विषय हो, आप अपने विश्वास की आंखों से देखे, हालेलुया। उसके बाद जब देख लिया विश्वास की आंखों से, फिर हम धन्यवाद करें, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया है करके हम धन्यवाद देने वाले हो, हालेलुया, प्रभु को महिमा देने वाले। तो ऐसी 3 चीजें हमें करना है। पहली चीज, हमने जो भी प्रार्थना किया वो हमें मिल गया करके विश्वास करें। दूसरी चीज, हम विश्वास की आंखों से उसको देखे। और तीसरा चीज, हम वो जो चीज हमें मिल गई विश्वास की आंखों से उसके लिए धन्यवाद करें प्रभु को, हालेलुया। अब वो कब होगा पूछेंगे तो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर ने सच चीज के लिए एक समय रखा है, तो वो उस समय में हमें वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। लेकिन हम विश्वास की आंखों से हम उसको प्राप्त करते हैं, विश्वास की आंखों से हम उसको प्राप्त करके धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। ये बना के धन्यवाद देने वाली नहीं है या झूठा धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन जिस तरीके से हमें कुछ मिल जाता है तो हम कैसे धन्यवादी मन हमारा होता है, वैसे ही आत्मा में हम उसको प्राप्त करके हम धन्यवाद कहे, हालेलुया, आत्माओं की छुटकारा को देख कर धन्यवाद कहे, हालेलुया, पवित्र आत्मा के अभिषेक को देख कर धन्यवाद कहे, हालेलुया। ऐसे ही हम अपने विश्वास, अपने
आत्मा के आंखों से हम देखें और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तो ये तीन चीजें हम जरूर करें, प्रार्थना करें और विश्वास करें कि हमें मिल गया है, और मिली हुई चीज हम आत्मा की आंखों से देखें, और तीसरी चीज आत्मा में हम उसको पूरे दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। और सही समय में मिलने के लिए हम इंतजार करें। इसके बीच में जो असल में मिलने की और धन्यवाद का जो समय है, उसमें हम वो धन्यवाद को रोके ना, लेकिन हम धन्यवाद देते रहे। वो जो इंतजार की जो घड़ी है असल में मिलने तक की, वो धन्यवाद के साथ बिताए। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा योग्य है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार और वीर्य प्रवृत्तियां करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे, सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।